पोको की एप सीरीज जब जब इंडिया पे लॉन्च हुई तब तब कुछ ना कुछ कमाल किए पोको F1 से लेकर पोको F5 तक, और अब यहाँ पे पोको X6 भी बहुत जल्द इंडिया पे लॉन्च होने वाला है। ये फोन की इंडिया लॉन्च डेट भी बाहर आ चुकी है, इसे 23 मई को इंडिया पे लॉन्च किया जाएगा, यानी कि बहुत जल्द ये फोन इंडिया पे लॉन्च होने वाला है। और पोको एप सीरीज के लोग दीवाने इसलिए होते हैं ना क्योंकि यहाँ पे फीचर्स काफी तगड़े दिए जाते हैं और इसकी प्राइसिंग काफी कम रखी जाती है। सो आज हम लोग बात करेंगे ये फोन के सभी कंफर्म स्पेसिफिकेशन के बारे में एंड जानेंगे ये फोन किस प्राइस पॉइंट पे इंडिया पे लॉन्च किया जाएगा। सो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। सबसे पहले हम लोग आते हैं फोन के डिजाइनिंग एंड बिल्ड की तरफ। तो ये फोन Redmi Turbo 3 का ही रीब्रांडेड वर्जन इंडिया पे लॉन्च किया जाएगा, तो सिमिलर सा डिजाइनिंग होगा जैसे ये फोन इंडिया पे लॉन्च होगा। तो वहां पे हमें पोको की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी एंड कलर वेरिएंट पे हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे। पॉलीकार्बोनेट की ग्लोसी बिल्ड रहने वाली है, कैमरा मॉड्यूल कुछ ऐसा देखने को मिलने वाला है एंड फोन एक बॉक्स से डिजाइन के साथ आने वाला है। साइड फ्रेम फ्लाइट होगा जहां पर प्लास्टिक फ्रेम को ही यूज किया गया है एंड फोन पे IP64 की वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस वाली रेटिंग भी दी गई है एंड ये फोन 7.8 mm की थिकनेस एंड 179 ग्राम वेट के साथ आने वाला है, यानी कि देखा जाए तो फोन एवरेज लाइटवेट एंड स्लिम होगा। तो चलिए लुक एंड डिजाइन तो यहां पर काफी बढ़िया दिया गया है, अब चलिए जानते हैं अंदर की स्पेसिफिकेशंस कैसे होंगे। डिस्प्ले की बात करें तो ये फोन 6.67 इंचेस की 1.5K रेजोल्यूशन के साथ एक OLED डिस्प्ले के साथ आने वाला है। डिस्प्ले बिल्कुल भी फ्लाइट होगा, चिन देखोगे तो यहां पर काफी पतली रहने वाली है और ये डिस्प्ले 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करने वाला है, यानी कि डिस्प्ले एक्सपीरियंस यहां पर आपको काफी ज्यादा बेटर मिलेगा एंड ये डिस्प्ले कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स के प्रोटेक्शन के साथ आया है, यानी कि प्रोटेक्शन के मामले में भी डिस्प्ले बेस्ड होगा। साथ ही 2400 नीट्स की पिक ब्राइटनेस को सपोर्ट करने वाला है, यानी कि आउटडोर पे भी डिस्प्ले काफी ज्यादा ब्राइट होगा। 12 बिट की डिस्प्ले रहने वाली है, यानी कि प्योर नेचुरल कलर्स आपको डिस्प्ले के साथ देखने को मिलेंगे। साथ ही ये डिस्प्ले HDR10 प्लस एंड डॉल्बी विजन जैसे फीचर को भी सपोर्ट करने वाला है, तो नो डाउट डिस्प्ले के साथ बेटरली कंटेंट वॉचिंग भी कर पाओगे। अब चलिए हम लोग आते हैं फोन के कैमरास की तरफ। तो रियर पे डुअल कैमरे का सेटअप दिया गया है जहां पर 50 मेगापिक्सल की प्राइमरी शूटर विद OIS जो कि सोनी LYT600 वाले सेंसर को सपोर्ट करता है। सेंसर अच्छा खासा है, क्लियरिटी आपको अच्छा खासा दे देगा, साथ ही स्टेबल पे वीडियोस भी रिकॉर्ड कर पाओगे एंड ये 4K 30fps को ही सपोर्ट करेगा। बाकी 8 मेगापिक्सल की अल्ट्रा वाइड एंगल रहने वाली है एंड 20 मेगापिक्सल की सेंटर पंचल वाली सेल्फी दी जाएगी। कैमरास के साथ अच्छे खासे क्लियरिटी निकाल पाओगे। सबसे हाईलाइटेड पता है ये फोन का क्या रहने वाला है, वो है परफॉर्मेंस। ये फोन स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 वाले प्रोसेसर के साथ आने वाला है। इसकी एंटीटू बेंचमार्क स्कोर 1.5 मिलियन से भी ऊपर चला जाता है एंड एड्रिनो 735 के ग्राफिक पे बेस्ड होगा, यानी कि ग्राफिक भी स्ट्रांग रहने वाला है। तो यहां पे परफॉर्मेंस के साथ साथ आपको ग्राफिक भी बेटर मिलेगा और लॉन्ग लास्टिंग गेमिंग अगर आप लोग करते हो तो आपके लिए यहां पे VC लिक्विड कूलिंग वाला सिस्टम को भी ऐड किया गया, यानी कि हीटिंग इशू से यहां पे आपको राहत मिलने वाला है। साथ ही LPDDR5X रैम टाइप्स एंड UFS 4.0 वाले स्टोरेज टाइप को सपोर्ट करने वाला है, यानी कि रैम रोम मैनेजमेंट भी काफी फास्टली तरीके से कर पाएगा। बाकी यहां पर 5000 mAh की बड़ी सी बैटरी मिलने वाली है एंड 90 वाट का फास्ट चार्जर भी दिया जाएगा। बाकी यहां पे हमें डुअल स्टीरियो स्पीकर मिलने वाला है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सपोर्ट होगा, आईआर ब्लास्टर रहने वाला है, एक्स एक्सिस की तरफ से लीनियर मोटर भी दिया जाएगा एंड NFC को भी सपोर्ट करने वाला है। बाकी आउट ऑफ द बॉक्स ये फोन एंड्रॉइड 14 के साथ आएगा। चाइना पे हालांकि ये फोन 12/256GB के बेस वेरिएंट से लॉन्च किया गया, बट इंडिया पे हो सकता है कि ये फोन 8/128GB के बेस वेरिएंट से भी लॉन्च किया जाए। तो ये कुछ ऑलराउंडर पैकेज हमें देखने को मिलेंगे ये फोन के साथ। अब सबसे इंपॉर्टेंट कि ये फोन किस प्राइस पॉइंट पे इंडिया पे लॉन्च होने वाला है। तो चाइना पे ये फोन 1999 yuan पे लॉन्च हुआ है 12/256GB वेरिएंट जो कि होता है 23,000 के आसपास, लेकिन इंडिया पे ये 8/128 के बेस वेरिएंट से स्टार्ट होगा जिसकी प्राइसिंग बताई जा रही है 30,000 के आसपास देखने को मिलेगा। अब इस प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पर फीचर्स काफी तगड़े दिए जा रहे हैं, तो डेफिनेटली ये फोन एक वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन बन सकता है एंड ये एक ऑलराउंडर फोन रहने वाला है। तो अगर आप एक गेमिंग के साथ साथ ऑलराउंडर स्मार्टफोन को लेकर वेट कर रहे हो तो डेफिनेटली ये फोन को लेकर वेट कर सकते हो। तो ये था गाइस पोको F6 से जुड़े काफी सारे डिटेल्स। तो आई होप गाइस आज का ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। पसंद आओ तो लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना एंड मिलते गाइस अगले फ्रेश वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।